सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कैसे बनाते हैं एक फ्लिप बुक एनिमेशन या फिर एक फ्लिप बुक इन स्क्रैच। सो सबसे पहले तो हम लोग स्क्रैच पे चले जाएंगे। एंड आई नो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आ रही है, बहुत लेट वीडियो है, सो वेरी सॉरी फॉर दैट। एंड फटाफट से हमें चाहिए रहेगा एक प्री कैरेक्टर हमारा एनिमेशन को एनिमेट करने के लिए। तो मैं यहाँ से तो फ़िलहाल किसी को चूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि फ्लिप बुक्स में हमेशा हर कैरेक्टर को आप खुद ड्रॉ करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे भी उसे खुद से ही ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे मैं इस फिल कलर फिल को भर मतलब ये कर देता हूँ ताकि अंदर कुछ भी फिल ना हो। एंड लेट्स टेक अ सर्कल टू मेक द हेड ऑफ अ स्टिक मैन विच विल बी द कैरेक्टर ऑफ आर एनिमेशन। सो हम लोग इससे है ना उठा के, ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, ओके सो इसे हम परफेक्ट पोजिशन पे रख देते हैं। ओके आई थिंक ये ठीक रहेगा। यहाँ से खींच लेते हैं एक लाइन विच विल द बॉडी। लेट्स टेक आउट the hands, second hand, leg। हाँ ये अभी के लिए थोड़ा मैंने इसे रफ रखा है डिज़ाइन को। एंड बाद में अभी बारी आती है रीशेप टूल की, इसे हम लोग बार बार यूज़ करके एक इसे हम लोग एक ग्रैब क्यों नहीं हो रहा है, इसे सेंटर में रखेंगे। ओके है ना। सो अब हमने इसके हाथ और पैर बना दिए हैं, ये अच्छा है। अब नाउ हमें क्या चाहिए कि हमारा ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर बाजू में से बैकग्राउंड के बाजू में से घूमते हुए आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं, एक परफेक्ट बैकग्राउंड ले लेते हैं। आई थिंक दिस विल बी गुड। बट हमारा कैरेक्टर बहुत ही मतलब काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट है, तो उसके आजू बाजू से हमको चीज़ें दिखती हैं। एक काम करते हैं, हम लोग खुद का बैकड्रॉप डिज़ाइन करते हैं। ओके इसे हटा देते हैं। एंड नाउ इसके अंदर हमें आई चूज़ समथिंग, ओके इसे वाइट ही रखें हैं, वाइट बैकग्राउंड भी ठीक है। ओके सो हम लोग स्प्राइट में जाते हैं, इसका हम लोग सही जीरो कर लेते हैं ताकि ये सही जगह पे रहे। इसके कॉस्ट्यूम में जाते हैं, हमने एक कैरेक्टर तो डिज़ाइन कर दिया है, बट इसे हमें मूव कराने के लिए पहले बैकड्रॉप के बाहर से अंदर की तरफ लाना होगा। सो हम लोग इस माउस को सिलेक्ट कर लेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे तो वो पूरा आ जाएगा। इसे ग्रैब करेंगे और मतलब थोड़ी देर के लिए बाहर रखेंगे है ना। देन वॉट कैन यू डू is to change the costume and put it, make it like it is coming through the background। So हम लोग क्या करेंगे, इसे duplicate करेंगे। देखो इस वाले first में ये हमें बीच में दिखाई तो दे रहा है, but वो है नहीं यहाँ पे। So second वाले में हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा आगे लाएंगे, minus करेंगे। रीशेप टूल को इससे माउस को सिलेक्ट करके इसे ग्रैब करके थोड़ा आगे लाएंगे कुछ इस तरीके से। एंड इसी चीज़ को हमें बार बार ही करते रहना, लाइक दिस। यू कैन डू दिस विथ अनदर शेप और कैरेक्टर। सो हम लोग इसे एनिमेट मतलब आगे ले आते हैं फटाफट से। ओके सो इसे हमें बार बार करना है। एंड इफ़ यू नीड टू मेक अनदर काइंड ऑफ, सो मे बी यू कैन पिक अ स्प्राइट एंड मेक
मेक एनिमेट एंड हर हर एनिमेशन जो आप बना रहे हैं स्क्रैच पे, उसमें आपको जो हर हर मतलब समझ लीजिए कि ये मेरा फर्स्ट वाला कैरेक्टर था, फर्स्ट कॉस्ट्यूम है, सो मैं नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में कुछ अलग कर दूँगा, उसी को डुप्लीकेट करेंगे, फिर उसको भी उसमें भी चेंजेस कर देंगे, ऐसे आगे कर करके आप लोग बना सकते हैं। सो हम लोग इसे डुप्लीकेट करते रहते हैं एंड ओके, सो ये हमारे पूरे इसमें आ चुका है एंड हमें टोटली इसे बीच में लाना है एंड इसके लिए मैं आपको इसको रन कराने के लिए मैं आपको एक सिंपल कोड भी दिखाऊंगा। एंड मैंने पहले से ही एक ऐसा ऐसे ही टाइप का कुछ एक बना के रखा हुआ है, सो मैं आपको वो भी इसमें लोड करके दिखाऊंगा, सो दैट यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड कि आप लोग कितने मतलब टाइप के आप वो कर सकते हैं। देर आर मतलब आप अपने इमेजिनेशन के हिसाब से आप कुछ भी बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्टिकमैन बनाया है, आप अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। सो हम लोग इसे फटाफट से आगे लेके आते हैं। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट में पहुँच चुका है। नेक्स्ट कॉस्ट्यूम एंड वो सेंटर में आ जाएगा। इसे पूरा सिलेक्ट करना है एंड देन फाइनली इट इज़ नॉट इन द सेंटर, हमें इसे आगे लाना है। नाउ इट इज़ इन द सेंटर, सो इसको रन करने के लिए आप इसे मल्टीपल टाइप से कर सकते हैं, मतलब ये जो हमने किया ना उसे आप एक और बार कर दीजिए विथ अनदर स्टिकमैन कैरेक्टर, तो वो यहाँ से एक और बार आएगा एंड आप लोग उन दोनों के बीच में बातें करा सकते हैं एंड हम लोग उसको टाइम बहुत कम रखेंगे, तो मे बी आपको सेम कॉस्ट्यूम को बहुत बार रिपीट करना पड़ सकता है, उसके लिए भी मैं एक प्री वीडियो बनाऊंगा। सो इसके लिए आपको जो कोड करना है, सबसे पहले तो आप इवेंट्स में जाइए, वेन ग्रीन फ्लैग ग्रेट, देन हमें जाना है फॉरएवर, फॉरएवर लूप हम लोग लेंगे कंट्रोल्स के, उसमें से लुक्स में जाएंगे, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम एंड कंट्रोल्स में जो फर्स्ट वाला वेट वेट ब्लॉक है इसे ऊपर लगा देंगे एंड इसके अंदर अपना टाइम सेट कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूँगा 0.0 क्योंकि वो परफेक्ट है एकदम, तो आपको हर बार अच्छे से वो कराते हैं एंड सेम थिंग आप लोग कर सकते हैं। चलिए इसमें और थोड़ी बहुत एनिमेशन करते हैं। ओके, सो इसको हम डुप्लीकेट करेंगे एंड इसमें एक काम करते हैं, हम लोग इसके मतलब ये हाथ हिला रहा है ऐसा दिखाते हैं। सो इसमें एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ, देन इसे इरेज कर देंगे, आराम से करना होगा, और मे बी साइज़ कम कर सकते हैं एंड वहाँ पे जूम करके हम लोग ओके उतना दिखेगा नहीं, और काम और कम कर देते हैं एकदम। चलो ठीक है, उतना रहने दे दें। ओके, लेट्स डू इट वंस मोर, एक और लाइन लेंगे उसे इस तरफ लेके जाएंगे इरेजर से, तो ये साइज बहुत ज़्यादा हो गया, आई थिंक इट्स गुड, इसे हम लोग थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, इधर से लाइन खींचते हैं। ओके नाइस, इसका हाथ काफ़ी ऊपर आ चुका है एंड देन डुप्लीकेट नहीं हुआ, इससे हम लोग और लाएंगे ऊपर, और ऊपर में भी नहीं ला
आना चाहिए, तो इसे हटा देते हैं। नाउ एक चीज़ जो आप कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके काम आएगी, ये तो बैकग्राउंड से बाहर चले बिकॉज वो यहाँ पे है। देखो सो हमारा मेन जो हाथ वो करने वाला है वो मेनली शुरू होता है यहाँ से, तो ये तीन है यहाँ पे, मैंने इसको एंड कर दिया। तो 18 से 20 तक हमारा एनिमेशन है हाथ का ना, 18 से। सो अब हम लोग क्या करेंगे, नहीं, इस वाले का डुप्लीकेट करेंगे एंड वो सेकेंड 20th नंबर पे आ जाएगा, देन उसे हम लोग नीचे ले आएंगे। यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे हमने उसका ओके ये मैं भी काम नहीं किया। 18 पे इसका हाथ यहाँ पे है ना, सो हम लोग 18 वाला लेंगे, इसका डुप्लीकेट करेंगे और ये दोनों सेम है इसे लेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे इसका हाथ ऐसा है, यहाँ से और ऊपर जा रहा है, इधर से और इधर पे ठीक, इधर पे नॉर्मल है, इधर से देखिए यहाँ पे ये नीचे हो गया है। तो हम इसे 19th वाले के साथ करेंगे, शायद 18 वाले के साथ हो गया, 19 वाले के साथ नहीं, इसमें ऊपर जा रहा है ना, तो हमने यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे कर दिया है। तो एक काम करते हैं इसको भी नीचे और नीचे ले आते हैं। ओके सो हमने हाथ मतलब हाथ दिखाने का एनिमेशन भी पूरा कंप्लीट कर लिया है, एंड लेट्स सी कि हमारा एक कोड और हमने जो कॉस्ट्यूम्स बनाए हैं आप उसे और आगे तक लेके जा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक और कैरेक्टर को यहाँ से उसके तरफ आते हुए दिखा सकते हैं। सो नाउ लेट्स रन द प्रोजेक्ट एंड लेट्स सी कि हमारा जो एनिमेशन है वो काम कर रहा है या नहीं। ओके ये बीच में आया, देखो हाथ तो हिला रहा है, बट एक काम करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब वो है, एक काम करते हैं इसे 0.2 कर देते हैं, ये मे भी अच्छा दिखे। ये थोड़ा स्लो दिखा रहा है, काम करते हैं इसे 0.1 कर देते हैं। नाउ लेट्स सी, ठीक है वो दिखा रहा था पिछला 0.0 वाले में, वो ठीक है हाँ, तो बस थोड़ा सा है। एक काम कर सकते हैं, अगर हम लोग इसी के कॉस्ट्यूम्स को कहाँ से शुरू हो रहा है, 18 से 17 से 21 तक के जो पांच हैं वो पूरे मतलब हैं, एक काम करते हैं ना, ये नॉर्मल है इसका एक डुप्लीकेट करेंगे एंड इसका भी एक डुप्लीकेट करेंगे। सो जितने भी हमने मतलब यूज़ किए थे हाथ हिलाने वाले कॉस्ट्यूम्स उनको हमने मतलब डुप्लीकेट कर दिया है वंस मोर। सो वो थोड़े टाइम तक मतलब सेम कॉस्ट्यूम रहेगा, तो वो थोड़ा मतलब देर तक रहेगा तो हमें दिखाई देगा। देखिए वो दो बार था इसलिए लगा कि वो सच्ची में हाथ थोड़ा ऐसे हिला रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मैं अगले वीडियो में आपसे शेयर करूँगा कि मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया वो कैसे बनाया, मतलब कैसा है वो, एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब। So, bye-bye.